शिक्षक और छात्र की दिल छू लेने वाली कहानी। नमस्कार सर, मुझे पहचाना कौन? सर, मैं आपका विद्यार्थी, 20 साल पहले का आपका विद्यार्थी। टीचर, ओ अच्छा, आजकल ठीक से दिखाई नहीं देता बेटा, और याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए नहीं पहचान पाया। खैर आओ बैठो, क्या करते हो आजकल? टीचर ने उन्हें प्यार से बैठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। छात्र, सर मैं भी आपकी तरह शिक्षक बन गया हूँ। टीचर, वाह अच्छी बात है यह तो, लेकिन शिक्षक की पगार तो बहुत कम होती है, फिर तुम शिक्षक कैसे बन गए? छात्र, सर जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था तब हमारे कक्षा में एक घटना घटी थी, उसमें से आपने मुझे बचाया था, तभी मैंने शिक्षक बनने का निर्णय ले लिया था। वो घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको मैं भी याद आ जाऊँ। टीचर, अच्छा क्या हुआ था बेटा? मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। छात्र, सर 8वीं कक्षा में एक बहुत ही अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि बाकी हम सब बहुत गरीब थे। एक दिन वह बहुत महंगी घड़ी पहन कर आया था और उसकी घड़ी चोरी हो गई थी। कुछ याद आया सर? टीचर, 8वीं कक्षा? छात्र, हाँ सर, उस दिन मेरा मन उस घड़ी पर आ गया था, और लंच टाइम में जब उसने घड़ी अपने बैग में रखी तो मैंने मौका देखकर वह घड़ी चुरा ली। उसके ठीक बाद आपका पीरियड था, उस लड़के ने आपके पास घड़ी चोरी होने की शिकायत की और बहुत जोर जोर से रोने लगा। आपने कहा जिसने भी वह घड़ी चुराई है उसे वापस कर दो, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई घड़ी वापस करने की। उसके बाद फिर आपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और हम सबको एक लाइन में आंखें बंद करके खड़े होने को कहा, और यह भी कहा कि आप सबकी जेब और झोला देखेंगे, लेकिन जब तक घड़ी मिल नहीं जाती तब तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और ऊपर से ज़बरदस्त मार पड़े। हम सब आंखें बंद करके खड़े हो गए। आप एक एक करके सबकी जेब देख रहे थे, और जब आप मेरे पास आए तो मेरे धड़कन तेज होने लगी। मेरी चोरी पकड़ी जानी थी, अब जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर चोरी का ठप्पा लगने वाला था। मैं ग्लानी हो गया था। उसी समय मैंने जान देने का निश्चय कर लिया था, लेकिन मेरी जेब में घड़ी मिलने के बाद भी आप लाइन से सबकी जेब देखते रहे और घड़ी उस लड़के को देते हुए कहा, अब ऐसी घड़ी पहन कर दोबारा मत आना, और जिसने भी यह चोरी की थी वो दोबारा ऐसा काम ना करे। इतना कहकर आप हमेशा की तरह पढ़ाने लगे। यह कहते कहते उस छात्र की आंखें भर आई, वह रूंधे गले से बोला, आपने उस समय सबके सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया था सर, आगे कभी किसी पर भी मेरा चोर होना जाहिर ना होने दिया। आपने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आपकी तरह आदर्श शिक्षक बनूंगा। शिक्षक? हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई, फिर चकित वो बोले, बेटा मैं आज तक नहीं जानता था कि वह चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं सबकी जेब देख रहा था तब मैंने अपनी भी आंखें बंद कर ली थी। इतना कहकर उन्होंने अपने छात्र को गले लगा लिया। शिक्षक और छात्र की दिल छू लेने वाली कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।